पीडीसी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल लवप्रीत बंगड़ लैके हाजिर हाँ साडा एक खास प्रोग्राम की समझिए। अज इस खास प्रोग्राम की शुरुआत उस बयान तो करते हैं जिसके सामने आने तो बाद कांग्रेस बुरे तरीके दे नाल घेरदी जा रही है। जिसके सामने आने तो बाद सूबे के लोग इस सवाल पूछने लगे ने कि पिछले 4.5 साल तो कांग्रेस सानू झूठ बोलती आई है, पिछले 4.5 साल तो कांग्रेस सानू धोखा देती आई है। तुहानू भी सीएम चन्नी साहब का वो बयान सुनाते हैं जिसके सामने आने तो बाद पिछले 4.5 साल तो बोलिया जा रहा एक झूठ बेपरदा हो गया है। लो तुसी भी सुनो। कई साढ़े विरोधी कही जाते खजाना खाली है जी, ये है जी, वह है जी। पंजाब का खजाना कदे खाली नहीं होंगे, ना ऐसी खाली होने देना, भरिया रहेगा। वाह चन्नी साहब वाह, धन भाग असां दे जो तुहाडे मूहों इस शब्द सुनने मिले। भावें तुहानू अते तुहाडी पार्टी नू सच कहन च 4.5 साल तो वध दा समां लग गया, पर चलो देर नाल ही सही, तुहाडी जुबान ते भी वो सच आ ही गया जो पिछले लंबे समय तो श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल बार बार कहते आ रहे हैं कि सूबे का खजाना कदे खाली हो ही नहीं सकता। एडिटर साहब एक बार होर जरा यह बयान सुना दियो ते पंजाब दे लोगों तुसी भी अपनी टीवी की आवाज़ जरा उच्ची कर लियो, क्योंकि यह बयान यह सच्चाई पूरे 4.5 साल बाद निकल के सामने आई है। तो सुनो जरा गौर दे नाल। कई साडे विरोधी कही जांदे खजाना खाली है जी, ये है जी, वो है जी। पंजाब दा खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, ना ऐसी खाली होण देना, भरिया रहेगा। इस बयान नूं सुनण तों बाद पंजाब दे लोक भी पुछ रहे ने कि आखर की समझिए। यह समझिए कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब दे बिल्कुल नाल बैठे खजाना मंत्री साहब मनप्रीत बादल जी इन्ने सालां तक सूबे दे लोकां दे नाल झूठ ही बोलते रहे, झूठ बोलते आए पंजाब के नौजवानों कि तुहानू रोजगार नहीं दे सकते क्योंकि खजाना खाली है, झूठ बोलते आए पंजाब के किसानों कि तुहाडा कर्जा माफ नहीं कर सकते क्योंकि खजाना खाली है, झूठ बोलते आए पंजाब दियां उन्हां मावां नूं, उन्हां तीआं नूं, उन्हां भैणां नूं जिन्हां दे पुत्तां ने, भरावां ने, पतियां ने मौत नूं गल ला लिया कर्जे के बोझ कारण, कि माफ करियो तुसी वैन ना पाओ, माफ करियो तुसी हंजू ना वहाओ, असी करिए भी की, साडा तां खजाना ही खाली है। जे खजाना खाली नहीं है तो मैनीफेस्टो दे विच इलैक्शनां तों पहलां मैनीफेस्टो च भी लिखिया ते वादा कीता गुटका साहब दी सहु खा के भी सारे किसानां दा कर्जा असी माफ करांगे, ते जिहड़ा थोड़े आड़ती वाला वह भी माफ किया जाऊगा, जिहड़ा कर्जा थोड़ा कोरपोरेट सोसायटी दे विच आ वह भी माफ किया जाऊगा, जिहड़ा बैंकां दे वाला ते वह भी माफ किया जाऊगा। जे प्रधान मुख्यमंत्री जी जे अपना खजाना खाली नहीं है तो जिहड़ा वायदा किया होया तुसीं जिहदे वायदे नाल तुसीं वोटां लैती सी किसानां दीआं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕੀ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, 4th ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ 646 ਦੀ PTAਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?
किथे ने बेघर दलितों नूं मिलण वाले घर। इस बयान तो बाद विरोधी भी सरकार नूं घेर रहे ने, मांग कर रहे ने कि जेकर खजाना खाली नहीं है तां फौरन माफ करो सारे किसानों का कर्जा, जेकर खजाना खाली नहीं तां दिओ सूबे दे हर नौजवान नूं स्मार्टफोन, दिओ 25 लाख का कर्जा विद्यार्थियों नूं उच्च पदरी सिक्ख्या हासिल करन दे लई, दिओ 10 लाख हर उस परिवार नूं जिसका कोई ना कोई जी कर्जे कारण मौत नूं गल ला गया। देखो असीं पहले ही यही गल कहिंदे सी कि पंजाब दा खजाना कदे खाली नहीं हो सकता, ये हर रोज पैसे आने हैं, हर रोज पैसे खर्चे नहीं जाने हैं। इस करके कमी जरूर हो रही थी कि एक्साइज की भी चोरी हो रही थी, जाली शराब दी फैक्ट्रियां ला के माइनिंग दे विच भी वड्डे पद्धर ते घपला और होर भी जिहड़े टैक्स खजाने तक आने चाहिए है वह कांग्रेस की सरकार के फेलियर कारण या रली मिली भुगत कारण नहीं सी आ रही। कल मुख्यमंत्री साहब ने खुद मन लिया कि खजाना खाली नहीं है, हुण उम्मीद करते हैं कि पूर्ण कर्जा माफी जिहड़ी किसान की मजदूर की होनी चाहिए है। घर घर नौकरी देने की 25 लाख जिहड़ी नौकरी देने का वादा तुसीं कीता सी जां जिन्ना चिर नहीं दित्ती 2500 भत्ता देना चाहिए है। पेंशन भी जिहड़ी तुसीं 2500 देनी सी शुरू तो ला के जिन्ना बैकअप हैगा, जिवें तुसीं पुराना बिल माफ करने की गल की है वह भी सारयां नूं भुगतान जिहड़ा करोगे। जिन्हें भी रेंदे काम ने किसान खुदकुशी करके उन्होंने पूर्ण कर्जा माफी की गल प्लस नौकरी की गल, यह सारिया गल्लां जिहड़ियां मुख्यमंत्री साहब तो उम्मीद करते हैं। जदों इलैक्शन आउंदे उदों खजाना भरदा, जदों इलैक्शन लंघ जांदे उदों खला, जदों लोकां नूं देणा हुंदा कुछ उदों, जदों इन्हां ने वोटां लैणियां उदों खजाना भर जांदा। सो इह धोखा कीता गया पंजाब दे लोकां नूं, हुण भी धोखा कर रहे, हुण भी अनाउंसमेंटां ही कर रहे आ, ग्राउंड ते की होणा उहदे बारे कुछ कहा नहीं जा सकदा। मुख्यमंत्री चन्नी वालों दिते इस बयान तो बाद कांग्रेस हुण लगातार गिरती जा रही है, लोग रज रज लांतां पा रहे ने, मंग कर रहे ने कि साडे नाल कीते वादे पूरे करो। हुण तां तुहाडी हाईकमांड ने भी कह दिता है कि वादे पूरे कर दिओ, तुसीं भी खुद कह दिता है कि खजाना खाली नहीं है, सो करो हुण वादे पूरे। BTC न्यूज़ लई रमन दी रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट गल करांगे एक कांग्रेसी सरपंच दी, उस कांग्रेसी सरपंच दी जिसते इल्जाम लग रहे ने गुंडागर्दी करन दे, जिसते इल्जाम लग रहे ने लोकां नूं डराण धमकाउण दे, जिसते इल्जाम लग रहे ने एक किसान दी फसल उसकी जिंदगी तबाह करन दे। जो तस्वीरां हुण असीं तुहानूं दिखाउण जा रहे हां उह इह सवाल पुछ रहीआं ने कि आखिर सूबे दे विच किसदा राज है, कांग्रेस दा या फिर गुंडियां दा। यह तस्वीरां सवाल पूछ रही ने कि सूबे च सरकार दा राज है जां कांग्रेसी गुंडियां दा। यह तस्वीरां सवाल पूछ रही ने कि आम लोगों की सुरक्षा कित्थे है, नाल ही तस्वीरां यह भी पूछ रही ने कि कानून व्यवस्था कित्थे है, क्यों लोग धक्केशाही का शिकार हो रहे ने, क्यों लोग सियासी चौधर का निशाना बन रहे ने। यह मामला यह तस्वीरां निकल के सामने आई ने अमृतसर के पिंड चौहान तो, जिथे ठेके दे लई पंचायती जमीन सियासी रंजिश के तहत समय तो पहला खाली करवाउण दे लई कांग्रेसी सरपंच ने गुंडियां दे नाल जाके बीजी फसल नूं वाह दिता। इल्जाम तो कुछ अजिहे लग रहे ने। पिछले कई सालों तो पंचायती जमीन ठेके ते लै रहे अकाली वर्कर सरबजीत सिंह मुताबक अप्रैल 2021 च हुई बोली दौरान 5.5 किले पंचायती जमीन ठेके से ली, झोने की वाढ़ी तो बाद मटर की बिजाई की, कांग्रेसी सरपंच ने बिना कोई लिखती कीतिया बिना कोई समा दित्या अचानक जमीन छड़न दे लई कह दिता। रात नूं 100 तो वध गुंडियां दे नाल आ के मटर के नाल नाल उस दे नाल लगती अपनी जमीन च बीजी गोभी की फसल भी वाह के तहस नहस कर दिती। बस 5.5 किले लगभग पंचायत का एक नंबर गुरा, ये मेरे को एक साल वास्ते ठेके दे, वैसे तो साढ़े को 20-25 साल हो गए लगातार वगदे ने मैनू, क्योंकि मेरी नाल ही जमीन दूजी पैंदी है और ये गुरा जिहड़ा वा ये अप्रैल दे विच इहदी बोली है 2021-22 साल वास्ते। फिर की होया कि असी झोना बीजिया दे विच, झोने तो बाद असी मटरां की फसल की तैयारी की, मटरां की फसल की तैयारी करन तो बाद इस बंदे ने जिस दिन असी मटर बीजने सी इहने फरमान लाता भी सरपंच ने भी तुसीं फसल नहीं बीजनी। असी कहा भी क्यों नहीं बीजनी फसल, इतने करोल कलोनी कटनी है।
मैं कहा भी तुम सानू कोई प्रीयर नोटिस दिता कोई पहला सानू कोई कानून लिखती कोई नोटिस दिता भी पंचायत पैली छड़ दो बाकी मेरा एडवांस जो ठेका गया वो ठेका वापस करो तो मैं पैली छड़ देना ठेका कहता भी तैनू दे देंगे मैं क्या देना कदों मैं तू पैली छड़ ठेका तैनू दे देंगे चलो जी असी जो क्या भी सानू पेमेंट दे तो फिर असी पैली छड़ा इन्हें क्या भी दे देंगे जो हक बनता इन्हें ठेका नहीं दिता सानू असी फसल बीजती राति इन्हें 30-40 बंदे लिया के आ सारी जी फसल साड़ी आ नुकसान कर दिता सारी फसल वाहती ईवन के मेरी अपनी पर्सनल पैली जमीन के हाईब्रिड गोभी का बीज लिया के असी पनीरी बीजी सी तैयार से गोभी की पनीरी लगाने वास्ते वो सारी इन्होंने तोड़ भन दी वो भी खराब कर दी। इस घटना की पिंड वाले वालों भी सख्त शब्दों च निखेधी की जा रही है पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। 2021 ठेके से ली सी 1,85,000 ठेका दिता हाँ 5 किलियां का तो यदि 22 अप्रैल 2024 क्लीयर होनी है उदों पहला ना कोई लैसा ना दे सकता तो सानू जो नोट्स देंगे फिर उस बाद वेख लाँगे साड़ी मांग इंसाफ दवाया जाए जो खर्चा है उन्होंने खर्चा दवाया जाए। जब इस मामले बारे कांग्रेसी सरपंच नाल गलबात की गई तो उसने अपने आप को बेगुनाह दसिया जिन्हें भी यह काम किया फसल खराब की किसी की बीजी बहुत माड़ी गल उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिए है जेडे भी जे ये इल्जाम लाते किसी ने वाही है जेदे ट्रैक्टर ने वाही है उत्ते भी कार्रवाई होनी चाहिए और इल्जाम तुहाडे ते लाए जा रहे तो जे मैनू उत्थे साबित कर देन तो फिर मैं तैयार हाँ सजा भुगतन फसल खराब की गई है फसल मैं थोड़ी खराब की नहीं फसल खराब हुई उधर मामला स्थानक पुलिस को पहुंचा तो पुलिस ने भी तफ्तीश की गल आखी है दोनों पार्टियां वालों दरखास्त दी गई वा जो कि इन्होंने वीडियो डिपार्टमेंट ने भी दरखास्त दी गई माड़ा महकमा संबंधन करके साढ़े को भी दोवे पार्टियां दरखास्त दी वा कि एक वालों में मेरी फसल खराब की है दूजी ने पंचायत में दी गई है कि पंचायती पैरी की सरकार को हुक्म होया प्लाट कट्टण के गरीबों के नाते तो यह बंदा जरा रुकावट पाँव दिया वा छड़ता नहीं है जिसकी दोवे दरखास्त की तफ्तीश चल रही है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई का दम भर रही है ते जांच तो बाद ही पता चल सकेगा कि असल सच की है पर कांग्रेसियां वालों जो सूबे का माहौल बनाया जा रहा है वह वाकई निंदन योग है। यह कोई पहला मामला नहीं है इस तो पहला भी कांग्रेसी वर्करां ते गुंडागर्दी करन दे कई इल्जाम लगते रहे ने। पीटीसी न्यूज़ लई अमृतसर तो मनिंदर मोंगा की रिपोर्ट। गल उस हस्पताल की करते हैं जिथे आते तो लोग ठीक होने के लिए ने पर दसिया जा रहा है कि इतों होर ज़्यादा बीमार होकर जाते हैं इल्जाम तो इतों तक लग रहे हैं कि यह हस्पताल लोगों को नवी जिंदगी नहीं मौत वंड रहा है इतने थां थां ते गंदगी के ढेर लगे हुए हैं लो तुसी भी सैर करो इस खास हस्पताल की। तस्वीर से लोग लांतां पा रहे ने मुख्यमंत्री चन्नी साहब नूं यह तस्वीर सवाल खड़े कर रही ने सेहत मंत्री साहब से नाल ही तस्वीर दीवे थले हनेरे वाली कहावत नूं भी सच साबित कर रही ने। यह मामला सेहत विभाग की कारगुजारी को उजागर करने वाली यह तस्वीर कितों दियां ने वह भी दसांगे पर उस तो पहला तुहानू कुछ होर विखाने जिसनू वेख के शायद तुसी भी हैरान हो जावोगे। इन्हां तस्वीरां नू वेखण तो बाद तुहाडे जहन च यही आ रहा होगा कि कुत्तियां दे अस्पताल की गल करन जा रहे हैं कुत्तियां की कहानी दसन जा रहे हैं ना 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 अजिहा कुछ भी नहीं जो तुसी सोच रहे हो वैसे गल अस्पताल दी ही करन जा रहे हैं वह भी इंसानां दे अस्पताल दी जिथे मरीज ठीक होण दी बजाए शायद रब नूं प्यारे होके जांदे ने ते इन्हां तस्वीरां नूं वेखण तो बाद यही जाप रहा है कि इत्थे इंसानां नालों वध कुत्तियां दा है बोलबाला मोती शेरू लाडो यह सब कुत्ते टौर दे नाल घूम रहे ने। सो तंज तां बथेरा हो गया गल मुद्दे दी दसदे आं सरकार दे उन्हां फोके दावियां दी गल करदे आं जिन्हां दी पोल खुलदी इस वेले तुसीं वेख ही चुके हो
दरअसल बीमारी भरिया तस्वीर निकल के सामने आई ने गुरु नगरी अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल जिथे सफाई व्यवस्था का जनाजा निकलिया पे थां थां गंदगी के ढेर लगे पे ने मरीजों के बैठने लिए पुख्ता प्रबंध तक नहीं बाथरूम अंदर बुरा हाल होया पे जिधर निगाह मारीे हर पासे गंदगी ही गंदगी विखाई दे रही है जो डेंगू वर्गियां कई होर गंभीर बीमारियां भी सद्दा दे रही है। असी पहुंचे हाँ अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल च किहो जे प्रबंध ने खास तौर पर डेंगू की बीमारियां सद्दा दे रहे जेकर गंदगी की गल की जाए तो गंदगी के मद्देनज़र गुरु नानक देव हस्पताल च की तस्वीर नज़र आ रही है किन्ने साफ सफाई के प्रबंध इतने नज़र आ रहे हैं किहो जे इंतजाम किए गए हैं क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी जिन्हों के कोल सेहत विभाग है उन्हां वालों अक्सर ही वड्डे वड्डे दावे किए जाते हैं कि पुख्ता प्रबंध जिहड़े है वह सरकारी हस्पतालों विच किए गए हैं पर इत्थे तस्वीर कुछ वक्री नज़र आ रही है तो यह तस्वीर असीं सांझियां कर रहे हैं अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल के एमरजेंसी वार्ड दियां जिथे लगे कूड़े के वड्डे वड्डे ढेर बीमारियों सद्दा दे रहे हैं तो तस्वीर साफ बयान कर रही ने कि किन्ने क प्रबंध जिहड़े पुख्ता प्रबंध डेंगू वर्गी खतरनाक बीमारी दे नाल निजिठण लई सरकारी हस्पतालों विच कीते गए ने खास करके ये तस्वीर वो कारगुजारी ते वड्डा सवाल भी चकदियां ने क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश सोनी खुद अमृतसर के रहने वाले ने और बिल्कुल दीवे थले नेरा जो कहावत है इत्थे ढुकदी होई नज़र आ रही है। सो देख लिया तुसी गुरु नानक देव अस्पताल का हाल किवें सरकारी दावियां दी पोल खुल रही है किवें मरीजों का बुरा हाल होया पिया किवें लोग मरण लई मजबूर हो रहे ने दसो की समझिए। अस्पताल च इलाज करवाउण आए लोगों ने जिथे अस्पताल प्रशासन से सवाल खड़े किए उत्थे ही सफाई व्यवस्था को लेकर सूबा सरकार ने भी जम के लानतां पाईआं की कहना है इन्हां लोगों का तुसीं खुद ही सुन लो। ये गुरु नानक होस्पिटल का गुरु का नाम दिता है होस्पिटल नूं पर जिन्नी इत्थे बीमारी चल रही ना ये बहुत भयानक बीमारी जिन्हें भी अपनी मौत नूं सद्दा देना इत्थे आ जाए बड़ी शर्म वाली गल है कि उन्हां दे राज दे विच ए कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है मरीजों का इन्ना बुरा हाल हो रहा है डेंगू फैल रहा डेंगू किस चीज़ ना फैल रहा तुसी खुद देखा वॉशरूम का हाल तो मैनू नहीं लगता कि है गंदगी दे नाल ही डेंगू आ रहा करोगे सरकार तो यहोजे जो डेंगू का प्रकोप लगातार वध रहा है मरीजों की गिनती वध रही है मरीजों की मौत तक हो रही है तो सरकारी अस्पतालों के प्रबंधों से वड्डा सवालिया निशान जिहड़ा है वह लग रहा है क्योंकि प्रबंध ही इत्थे इन्ने माड़े ने गंदगी दे थां थां ते ढेर लगे हुए मैं तो बस यही कहूँगी कि पहला आ के जो सरकारी होस्पिटल जिन्हें भी इकला गुरु नानक होस्पिटल नहीं कई गुर है सरकारी होस्पिटल जिते गंदगी है हर होस्पिटल का सरकारी का यही हाल है उन्होंने पहला ठीक करो स्वर्ग की जिंदगी जीन दे मरन दे लोग जिन्हां किलो दाल कर दे के बन देना भूए चढ़ा देना कुकड़ नूं जदों वढ़ना हुंदा ना दाणे दो पाई दे भज्जा हुंदा वी मैनूं दाणे पए आ मुड़ के उहदी धौण लाउंदे आ साडियां धौणां लथणियां इन्हां लाउणियां इन्हां सेहत मंत्री ओपी सोनी साहब सुन लो लोगों का दर्द किवें गंदगी च रहण दे लई मजबूर हो रहे ने तुहाडा अपना शहर तुहाडे अपने लोग ने तुहाडा फर्ज बनता है अस्पताल का सुधार करना इन्हां दीआं मुश्किलां सुनण दा जदों चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने तां तुहानू भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया लोगों के मसले हल करोगे ऐ उम्मीद सी पर ना जी सेहत मंत्री साहब तां लगदा ज़्यादा ही बिजी हो गए क्योंकि चोणां जो सिर ते आ रहीआं ने शायद केड़े नवे वादे करने ने वो कागज़ ते लिखे जा रहे होने हैं उन्हां दीआं ही तैयारियां चल रही होनियां बीटीसी न्यूज़ लई अमृतसर तो मनिंदर मोंगा की रिपोर्ट। अज के इस खास प्रोग्राम च मेरे नाल फिलहाल बस इन्ना ही पर पीटीसी न्यूज़ से खबरों का सिलसिला रहेगा जारी तुसी जुड़े रहो पीटीसी न्यूज़ के नाल फिलहाल मैनू यानी लवप्रीत बंगड़ ते मेरा कैमरा परसन सुरेश नूं दिओ इजाजत धन्यवाद।